वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम बानो शफीक अहमद। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है? तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है। प्यारे बच्चों, आप रोजाना अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। खेलने के बाद जब आप घर आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? गुड, आप महसूस करते हैं कि आपको भूख का एहसास हुआ है, यानी आपको लगता है कि आपका पेट खाली है, आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आपकी अम्मी से खाना मांगते हैं और खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है? शाबाश, खाना खाने के बाद आपको ताकत महसूस होती है और जो आपकी कमजोरी है वो खत्म होती है और आप अपने अंदर महसूस करते हैं तवानाई। तो प्यारे बच्चों, भूख हमें लगती है कब? जब हमारे जिस्म को तवानाई की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, आपने ऊपर दी गई वीडियो में ये भी देखा कि बच्चे के कद और वजन में इजाफा हुआ। बच्चे के कद और वजन में इजाफा होने का मतलब बच्चे की नशोनुमा होना है। तो प्यारे बच्चों, जिस्म की बेहतर नशोनुमा के लिए भी हमें गिजा की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, जब आपको कहीं जख्म लग जाता है उस वक्त डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं? शाबाश, डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप ऐसी गजाई अशिया का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके जिस्म में या आपके जिस्म पर लगे हुए जख्म की भरपाई हो सके। तो जख्म की भरपाई के लिए आप दूध और अंडे जैसी अशिया का इस्तेमाल करते हैं और इन अशिया के खाने से आपके जिस्म में भरपाई होती है और आपका वो उज़्ज़ो बेहतर हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस्म की नशोनुमा के अलावा जिस्म के अंदरूनी अफ़आल जैसे अमल तनफ़ुस, दौरान खून और दीगर बहुत सारे अफ़आल को अंजाम देने के लिए भी हमें गिज़ा की जरूरत होती है और गिज़ा की जरूरत की वजह से ही हमारे अंदरूनी आज़ा बेहतर तौर से अपने अफ़आल अंजाम देते हैं। और इसके अलावा जब हम कमजोरी महसूस करते हैं, अगर उस वक्त आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए तो क्या आपके काम में दिलचस्पी होगी? क्या आप वो काम रग़बत से करेंगे? क्या आप वो काम जोश और वलवले से करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप पहले से ही अपने जिस्म को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप उस काम में जोश और वलवले को जाहिर नहीं करने पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी काम को दिलचस्पी, रग़बत, जोश और वलवले से करने के लिए भी हमारे जिस्म का तंदुरुस्त होना जरूरी होता है और ऐसे वक्त में हमें जरूरत होती है ताकत वाली गिजाई अशिया की, जिसकी वजह से हम अपने काम को जोश, वलवले, रग़बत के साथ अंजाम देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारी तरह यानी हम इंसानों की तरह दीगर जानदारों को भी गिजा की जरूरत होती है या नहीं? शाबाश, हमारी तरह दूसरे जानदारों को भी गिजा की जरूरत होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या बिल्ली गाय की तरह घास खा सकती है? नहीं खा सकती। अब बताइए, क्या बिल्ली चूहा खाती है? तो क्या गाय भी चूहा खा सकती है? नहीं खाएगी। और मिसालें बताइए, क्या शेर गोश्त खाता है? तो
घोड़ा भी गोश्त खाएगा नहीं खाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जानदारों की गिजाई जरूरत भी अलग अलग होती है।